आज हम देखेंगे 8 जनवरी 2022। बच्चे एवं बचपन की कल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। बच्चों एवं बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो बच्चे एवं बचपन की कल्पना जो है सार्वभौमिक नहीं हो सकती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा अगला जो है, बच्चे एवं बचपन की समझ उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से निर्धारित होती है। दूसरा, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा, विकास में दोनों अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अनुन क्रियात्मक भूमिका है। चौथाई लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? विकास क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो कौन सा हमारा सही है? वो जो है हमारा वो होगा ऑप्शन 3, विकास में दोनों अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अन्य क्रियात्मक भूमिका है। ऑप्शन जो 3 है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। दूसरा, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो विकासात्मक जो प्रतिमान होते हैं वो औसत उम्र को दर्शाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी हो, दोनों सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे किस चरण में प्रस्तावना तर्क के कथन को हल कर पाते हैं? जैसे कि अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? ऑप्शन 1, संवेदी पेशीय चरण। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तर्क हल कर पाते हैं, तर्क जब हल कर पाता है बच्चा, तो ये जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 साल होता है उस स्टेज में बच्चा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से जीन प्याजेक सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? पहला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। तीसरा, बच्चे अलग अलग तरीके सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। तो जीन प्याजेक सिद्धांत के अनुसार जो आलोचनात्मक होता है, कौन सा आलोचनात्मक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्कीय पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? खोज अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, कार्मोदेशिक निर्देश, चौथा प्रतिपादक शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पार जो होता है हमारा स्कैफोल्डिंग होता है, एक हिंट होता है जो हम किसी चीज़ को अगर बताना चाहते हैं तो हिंट देकर हम उसको बताते हैं, तो वो हमारा स्कैफोल्डिंग हो जाता है। तो के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा एवं गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास प्रभावशाली नहीं है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों के संदर्भ को दी जाने वाली सहायता की मात्रा एवं गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर
और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। पहला आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवर गार्डनर ने पहला बुद्धिमता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरा की सोच की समालोचना की है। दूसरा 12 अलग प्रकार के बुद्धिमत्ता को प्रस्तावित किया है। तीसरा सृजनात्मकता का सिद्धांत। चौथा बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो हार्डवर गार्डनर के अनुसार जो है वो क्या है हमारा ऑप्शन 1, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की, ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा बेहतर ढंग से सीखते हैं जब निर्देश की भाषा उसकी मातृभाषा हो। दूसरा, जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो। तीसरा, जब उन्हें डांट कर याद रखने के आधार पर आंका जाए। चौथा, जब एकांकी और संरचित पाठ्यक्रम का पालन किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, निर्देश की भाषा उसकी मातृभाषा हो, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता पहला स्वतंत्र होते हैं एवं उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। दूसरा, निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। तीसरा, को अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की ज़रूरत है। चौथा, निष्क्रिय प्राणी जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्वतंत्र होते हैं एवं उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्षाएं, पहला, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण कराते हैं। दूसरा, संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होता है। तीसरा, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। चौथा, मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है? तो पहला है, जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना। दूसरा, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना। तीसरा, पाठ्य पुस्तक में पुरुष और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना। चौथा, लड़की को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय के लिए प्रोत्साहित करना। तो कौन सा है जो जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 ऑप्शन इसका जो हो जाता है करेक्ट आंसर वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लड़की को गणित और विज्ञान लड़कियों की भाषा विषय में शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नता को हटा देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नता को खारिज कर देनी चाहिए। सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत जरूरत को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। तो व्यक्तिगत में स्कूलों को क्या करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा की योजना बनानी चाहिए, ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पहला, पादप कोशिका का चित्र बनाइए। दूसरा, अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुलझाइए। तीसरा, गणना कीजिए। चौथा, भारत क्षेत्र पर एवं जनसंख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2, अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय को सुलझाइए, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में कौन सा कथन बाधक है? पहला, समता का सिद्धांत। दूसरा, सहानुभूति की संस्कृति। तीसरा, अगम्यता इमारत। चौथा, मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3, अगम्य इमारतें, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधाराओं के खिलाफ है? तो समावेशी शिक्षा कौन सा होता है जिसमें समान आवश्यकता वाले बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक दोनों को साथ में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये है पहला हमारा अधिगमकर्ताओं की आवाज़ को महत्व देना, दूसरा सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, तीसरा कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं से ही उच्च उम्मीद रखना, विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से उच्च उम्मीद रखना, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई से जुड़ी है? स्वलीनता, वाचन वैकल्प, गति दिव्यांगता, नेत्रहीनता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन वन होगा, स्वलीनता। ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे। स्वलीनता में जो होता है बच्चा ना तो अपनी बात को दूसरे के सामने रख पाता है ना दूसरे के बात को समझ पाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, स्वलीनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अभ्यास श्रवण बाधिता विद्यार्थियों में सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? पहला सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, दूसरा घोषणा और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथनकों का इस्तेमाल, तीसरा कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना, चौथा शिक्षण के व्याख्यान उपागमों पर व्यापक रूप से भरोसा करना। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना, ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर अनुमति देना, दूसरा स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, तीसरा सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, चौथा उत्पूरक पाठन सामग्री का उपयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थ्री, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में आयाम को लागू करने का अवसर देना चाहिए, दूसरा सीखे गए संप्रदाय को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है, तो करने का अवसर देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन वन हो जाएगा, दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या करता है, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच ज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? पहला त्रुटि को बिना चर्चा के खारिज करना, दूसरा जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, तीसरा उत्तर का सहज अनुमान लगाना, चौथा आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन, त्रुटि को बिना चर्चा के खारिज कर देना, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है, इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? पहला कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए उन्हें अनुबंधित करना, दूसरा विद्यार्थियों कार्य को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, तीसरा अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने कार्यों को अवोधगम्य बनाना, उसके वास्तविक जीवन में सीखने कार्यों की प्रयोज्यता को निर्विस्तृत करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन विद्यार्थी कार्य को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक होता है जब पहला नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, दूसरा विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाए, तीसरा विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, चौथा विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को छूते जाना तनावों का उपयोग करके अनुबंधित की जाती है। तो सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो जाते हैं, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पहला पाइथागोरस परिमेय बताएं, दूसरा भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताएं, तीसरा साइकिल कैसे चलाई जाती है, चौथा गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है प्रश्न प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन थ्री, साइकिल कैसे चलाई जाती है, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है,
दूसरा अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। तीसरा अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है। अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? चयनित समाधान के परिणाम की आशंका, दूसरा लक्ष्य को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतीकरण, तीसरा कई संभावित समाधान की खोज, चौथा समग्र के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता। तो समस्या समाधान प्रतिक्रिया में कौन सा बाधा डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। वैकल्पिक अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? वैकल्पिक अवधारणा हमेशा निराधार होती है और शिक्षकों द्वारा उन्हें अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, वैकल्पिक अवधारणा बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। तीसरा, वैकल्पिक अवधारणा वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाता है। चौथा, वैकल्पिक अवधारणा केवल उन्हीं बच्चों में बनती है जो तंत्रिका संबंधी कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, वैकल्पिक अवधारणा बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? पहला जिज्ञासा, दूसरा आनंद, तीसरा निराशा, चौथा गौरव। तो नकारात्मक रूप से कौन सा प्रभावित करता है? तो ये है हमारा निराशा। निराशा जो है बहुत प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्य में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है? पहला स्थिर गैर नियंत्रित, चौथा अस्थिर नियंत्रित, चौथा आंतरिक नियंत्रित, चौथा आंतरिक और अस्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, स्थिर गैर नियंत्रित। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है जो पूछा गया था 8 जनवरी 2022 को CTP का 300 क्वेश्चन। धन्यवाद।